इन दादा लोग के साथ मुलाकात हुआ यहाँ पर। ये दादा का भी YouTube चैनल है एक। फर्स्ट पार्ट में हम लोग आए थे कलकत्ता से मानेवंजम तक, सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे मानेवंजम से गढ़ीवास तक। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जस्ट स्टार्टिंग वार्म अप कर रहे थे, स्टोरी चल रहा था तभी, अब से चालू होगा असली एडवेंचर। तो सेकंड पार्ट देखते रहिए और ज़रूर ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझको और भी मोटिवेट कीजिए और भी वीडियो बनाने के लिए, धन्यवाद। अब आगे बुधरा मॉर्निंग दोस्त लोग, अभी मॉर्निंग 7:30 AM है। हम लोग हैं मानेवंजम पे, टी पी रहे। आइए देखा था एक चीज़ आपको, तो आपको पहाड़ का काफी डाना दिखाएंगे आप। आपको ये होमस्टे का सामने का हम लोग का नॉर्मल जो कल रात को दिखाए थे ऐसा है। अभी पीछे से आइए, पीछे से दिखाते हैं आपको। ये है आपका पीछे वाला व्यू। मॉर्निंग शुक्राना काफिराना, सब लोग को मेरे चैनल से तहे दिल से वेलकम। तो हम लोग अब आज 8:30 AM के अंदर निकल जाएंगे ट्रेकिंग के लिए। पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लेंगे, मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं ये व्यू के साथ। तो आप दूर में वहाँ पर अगर जूम करेंगे, वहाँ पर कुछ व्हाइट स्नोई पीक देख रहे हैं, वहाँ पर एक बार जूम कीजिए। हम वो वाला ट्रेल ही पकड़ेंगे, वो वाला ट्रेल से ही हम लोग जाएंगे उस तरफ से। ये पहाड़ के लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के हम लोग जो रास्ता जा रहा है ट्रेकिंग का, उस तरफ से ही जाएंगे। मॉर्निंग टी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग को नीलेश प्रधान जी जो ओनर है, वो हम लोग का ट्रेक का पूरा इटिनरी ब्रीफिंग देंगे। वो लगभग 10-15 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा ब्रीफिंग नहीं होगा। वो ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा पूरा मैप के बारे में और वहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में पूरा हम लोग को नीलेश जी समझाएंगे। तो स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा आप कर लीजिए, हेडफोन का वॉल्यूम आप कर लीजिए, ये ब्रीफिंग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेडी? हाँ, वेलकम। हम लोग चंद्रपुर एंड बियॉन्ड ट्रैवल एजेंसी, लोकल ट्रैवल एजेंसी। हम लोग वेंडर है, फिलोसफिया ट्रैक में हमारे जो सबका काम हम करते हैं, ठीक है। तो वेलकम, ओके। आई एम नीलेश, मेरा नाम तो पता ही होगा, ठीक है। ये आपका क्या फर्स्ट ट्रेकिंग है? हाँ, फर्स्ट ट्रेकिंग आपका? हाँ, मेरा भी फर्स्ट ट्रेकिंग है। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रैक है वो आपका ट्रैक का तीन रहता है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्टी, ठीक है। ये इजी और मॉडरेट के बीच में पड़ता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपका डे वन आप यहाँ पे माने बजे, ठीक है। आपको जाना है डे टू में टूबिंग, ठीक है। ये आपका 12 किलोमीटर है, ट्रैक टाइम लगता है 6 से 7 घंटा, ठीक है। जब आप स्टार्ट करेंगे टुमारो मॉर्निंग तो आपको 8 बजे रेडी होके आना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट 8:30 आफ्टर ऑल द परमिशन आपको मूव करना है चित्रे, ठीक है। ये 2 किलोमीटर है, बहुत ये बहुत ही ज्यादा खड़ा है, ठीक है। आराम से करना है, 2 घंटे लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। चित्रे में जाके एक ब्रेक, ठीक है, यू कैन टेक फोटोज ओवर हियर, ठीक है। देन वी वॉक टू मेघमा 7 किलोमीटर, यहाँ पे हमारा लंच पॉइंट है, ठीक है। मेघमा मतलब आपका एशिया का सेकेंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है। बट ये मोनेस्ट्री मैक्सिमम टाइम क्लोज ही रहता है, ठीक है। फिर हमारा हम लंच करके यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके फिर हम प्रोसीड करेंगे टुमलिंग, ठीक है। यहाँ से 2 किलोमीटर से हम लोग शॉर्टकट लेंगे टुमलिंग, ठीक है। टुमलिंग पे जाके एकदम होटल पे जाके रेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो गाइड आपको बताएगा, ठीक है। फिर इवनिंग टी स्नैक्स खाके फिर आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके, इफ द वेदर इज क्लियर, अगर वेदर क्लियर हो तो यू कैन गो टू टोंगलू। टोंगलू इज द मोस्ट पिक्चरस्क्यू जगह,
ठीक है, यहाँ पे जाकर सनसेट कर देख सकते हैं। वेदर क्लियर होने से जाइए, नहीं तो फिर 1 किलोमीटर जाना और आना आपके लिए परेशानी होगा। सेकेंड डे तुमरिंग से आपका होगा काला पोखरी। जब आप ट्रेक करेंगे तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको टाइमिंग मेंटेन करना पड़ेगा। सुबह अगर वेदर क्लियर है तो गाइड आपको नॉक करेगा, सनराइज के लिए लेके जाएगा। देखो 8 o'clock यू हैव टू बी रेडी, 8:30 यू प्रोसीड, ठीक है। फिर तुमरिंग से आप जाएंगे काला पोखरी, काला पोखरी आपका 13 किलोमीटर है। यहाँ से हम लोग शॉर्टकट लेंगे जौगाड़ी नेपाल होके, ठीक है, नेपाल से जौगाड़ी से हम लोग गैरीवास जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे चढ़ेंगे कयाकट्टा। ये जो कयाकट्टा का स्टेज है ये भी चित्ले की तरह है खड़ा है, ठीक है। यहाँ जाके लंच करना है, थोड़ा रेस्ट करके फिर आपको कालपोखरी, कालपोखरी पे आपका स्टे होगा, ठीक है। कालपोखरी में एक सीक्रेट लेक है, ठीक है, वहां का वाटर एकदम ब्लैक है, इसीलिए काला पोखरी बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट कल्चर के लिए ये होली होली प्लेस है, ठीक है। फिर आपका काला पोखरी से नेक्स्ट डे होगा संदकपू, ठीक है। संदकपू के लिए आपका क्या होगा, 7 किलोमीटर है, ठीक है, इंक्लाइन है, ठीक है। 1 बजे तक आप पहुंच जाएंगे संदकपू पे, जाके होटल पे लंच होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप जाएंगे फालूट। अब जब फालूट जाएंगे तो बीच रास्ता में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा है सेंटर में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टी गांव से, बट ये आपका 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका सबसे टफ वाला जर्नी रहेगा, ठीक है। लैंडस्केप वाइज सबसे बेस्ट है ये, ट्रेक करने के लिए एकदम परफेक्ट। इस रूट में क्या होता है, वहां पे लैंड रोवर आ जाते हैं, ठीक है, बट इस रूट में थोड़ा कम आ जाता है। ओके, सो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट अर्ली फ्रॉम संदकपू, 7:30 ब्रेकफास्ट, 8 o'clock वी मूव, ठीक है। सावरग्राम छोटा सा टी स्टॉल है, वहां पे आपका लंच होगा, लंच मतलब मैगी, बॉइल्ड आलू, अंडा, यही होगा, ठीक है। फिर आप प्रोसीड करेंगे फालूट, फालूट पे एक ट्रेकर्स हट है, वहां पे आपका स्टे है, फालूट पे एक ही अकोमोडेशन पॉइंट है, ट्रेकर्स हट गवर्नमेंट का, 16 बेड का कैपेसिटी है, मैक्सिमम टाइम वो फुल ही रहता है, यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है, आपको मिल गया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे आप जाएंगे गोरखी, 14 किलोमीटर, ये डाउनहिल ट्रैक है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है। फिर आपको गोरखी में होमस्टे पे जाके ही लंच करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप जाएंगे स्टेपी, विच इज दैट 14 किलोमीटर, और आपका स्टे यहाँ पे, ठीक है। जब आप ट्रेक करेंगे तो आपका गाइड होगा, आपका फ्रेंड, आपका मेंटर, ठीक है, कुछ कंट्रोल भी करेगा, कुछ फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एंटायर ट्रेक में कुछ चीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप नेशनल पार्क के अंदर में जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका, हम लोग तो बोलते हैं अवॉइड प्लास्टिक, वाटर बॉटल रिफिल करिए, ठीक है, क्या नहीं करने का, मिनरल वाटर खरीदने का जरूरत नहीं है, रिफिल कीजिए, पहाड़ का पानी एकदम प्योर, ठीक है, रिफिल कीजिए, नॉइज थोड़ा कम रखिए, डस्टबिन यूज कीजिए, डस्टबिन नहीं है, ठीक है, अगर डस्टबिन नहीं है तो आपका लग जो रबिश है ना वो आपका होमस्टे पे डंप कर दीजिए, ठीक है। इस तरफ से, इस वे से हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट को हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप जब ऊपर जाएंगे तो कोई कोई वक्त आपको एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो जाता है, ठीक है, इसका सिम्टम्स है फीवर, डिजीनेस, शिवरिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, ये हो तो आपको गाइड असेस करेगा सिचुएशन, ठीक है, क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेडिसिन भी रहता है डाइमोक्स, बट डाइमोक्स लेने के लिए तो 24 आवर्स पहले से डाइमोक्स लेना पड़ता है, ठीक है, तो गार्लिक सूप वूप देगा, ठीक है, और वो एसेस करेगा कि आपका सिचुएशन ठीक है कि नहीं। अगर वो बोले कि ना आप नहीं जा सकते तो आपको नीचे आना होगा, क्योंकि हम आपका लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब आपका ब्रीफिंग हुआ ना, हम भूल गए एक बात, आपका एक दिन हमने लैंड रोवर में किया है, सेकंड डे आपका कालपोखरी कल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ। ट्रेकिंग शूज है ना आपके पास, ट्रेकिंग स्टिक्स, स्टिक्स नहीं है, ठीक है, वो गाइड दे देगा आपको, शूज जो है एक बार आपको दिखा देंगे, चलेगा, उतना भी स्लीपर भी नहीं है, हाँ। दिनों में, 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 दिन
ठीक है, थैंक यू। तो जहाँ पर एरो ब्लिंक कर रहा है वो है सिंगलिना नेशनल पार्क, जहाँ पर हम लोग ट्रेकिंग करेंगे। हम लोग ये एपिसोड का पिछले वाला वीडियो में सिलीगुड़ी से मनेवंजम तक आए थे, और ये वाला वीडियो में मनेवंजम तक गरीबास तक जाएंगे, जहाँ पर बीच में टुमलिंग चेक पोस्ट पड़ेगा, टुमलिंग का ट्रेकिंग रूट पड़ेगा। चलते हैं नीलेश जी। ओके सर, बाय बाय, हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू। ये वाला ना तो हम लोग अभी निकलेंगे, नीलेश जी को बाय बोल दिए, ठीक है। लैंड रोवर में हम लोग निकलेंगे, हम लोग का लैंड रोवर है, यहाँ से टुमलिंग तक लैंड रोवर में ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन हम लोग को बचाना है जैसे भी करके। ये हम लोग का सवारी है, आज का गाड़ी है, रेडी है लगभग मोटा मोटी। पवन जी हाय बोल दीजिए, आपका नाम बोल दीजिए। गजन जी है, आपका फ़ोन नंबर भी बोल दीजिए, यूट्यूब में जाएगा ये सब, आपका डिटेल्स सब लोग जान पाएगा सर। 736 7365 833 6731 671। गजन जी को कांटेक्ट कीजिएगा, गजन जी मोटा मोटी हम लोग का गाइड है, हम लोग को लेके जाएंगे पूरा ट्रिप में, गजन जी लेके जाएंगे पूरा। हाँ नीलेश जी, यहाँ पर थोड़ा प्लान का चेंज हुआ, हम लोग लैंड रोवर लेंगे डेढ़ दो घंटा के लिए टुमलिंग तक जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को एक दिन बचाना है ट्रेकिंग का, क्योंकि हम लोग का ट्रेन पहले आ जा रहा है ट्रेकिंग से पहले। लैंड रोवर का सवारी रेडी है अभी, तो ये तो जानते हैं लैंड रोवर अभी भी चलता है सांदकफू ट्रेक में। दादा हम लोग का आज ड्राइवर है, दादा आपका नाम क्या है दादा? संजय। तो संजय जी आज का ड्राइवर है हम लोग का, दादा लैंड रोवर का गाड़ी उनका ही है, तो सब लोग जानते हैं मोटा मोटी लैंड रोवर गाड़ी इंडिपेंडेंस के टाइम से यहाँ पर चलता है। तो अभी इसका हिस्टोरिकल फैक्ट आप गूगल कर सकते हैं, जो सांदकफू राइड में लैंड रोवर का गाड़ी क्यों चलता है, इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग का सवारी स्टार्ट हो गया, हम लोग जाएंगे यहाँ से टुमलिंग तक लैंड रोवर में, उसके बाद हम लोग वहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे सांदकफू तक। चलिए चलते। हाँ गगन जी बोलिए, कंचनजंगा के बारे में थोड़ा बोलिए। एक्चुअली कंचनजंगा नहीं है, ये खांग चेंग चुंगा। फाइव गॉडेस का स्पीक ऑफ फाइव गॉडेस। अच्छा अच्छा, कौन कौन गॉडेस है ये? बहुत सारा पिक्स है उसके अंदर में। मनेवंजम से टुमलिंग का डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, वो 13 किलोमीटर हम लोग ये लैंड रोवर गाड़ी से ही कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक दिन बचाना है ट्रेकिंग का। टुमलिंग के बाद से हम लोग का पूरा ट्रेकिंग रूट चालू होगा। जो लोग ट्रेकिंग नहीं करना चाहते वो लोग डायरेक्ट लैंड रोवर गाड़ी लेके पूरा सांदकफू तक ही जा सकते हैं। आइए कुछ मिस्टिकल आपको दिखाते हैं, मैजिकल व्यू। ये टोंगलू व्यू पॉइंट, यहाँ से फर्स्ट आपको स्लीपिंग बुद्धा का 180 डिग्री पूरा फुल पैनोरामिक व्यू ये ट्रेक से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टोंगलू व्यू पॉइंट का हाइट है 3070 meters, जो फीट में कन्वर्ट करने से होता है 10,070 feet। यहाँ से शुरू होता है सिंगलीला नेशनल पार्क, यहाँ से हम लोग का ट्रेकिंग स्टार्ट होगा। यहाँ से हम लोग को टिकट करना पड़ेगा, अभी यहाँ से हम लोग को आईडी चेकिंग करवाना पड़ेगा, टुमलिंग चेक पोस्ट सिंगलीला नेशनल पार्क। हम लोग का पैकेज के अंदर ही परमिट वर्मिट सब किया हुआ था, तो परमिट हम लोग को अलग से खर्चा कुछ देना नहीं पड़ा, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा यहाँ पर आकर। जो लोग पैकेज के अंदर से परमिट नहीं करा के आए उन लोग के लिए 120 rupees पर हेड परमिट पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब लाने से ही चलेगा। हम लोग का ट्रेकिंग स्टार्ट हो गया यहाँ से, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सांस थोड़ा ज़्यादा रखना है। ट्रेकिंग का रूट आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो लेफ्ट साइड वाला आपको फेंस दिख रहा है, ये फेंस है आपका नेपाल का, ये हम लोग नेपाल वेस्ट बंगाल बॉर्डर से चल रहे ट्रेकिंग के लिए। यहाँ से ही हम लोग का आर्मी वाला लाइफ स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग एक गलती कर चुके हैं,
जो हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा बैग्स पैकेट है वो कैरी कर चुके हैं ये ट्रैक में, जो करना नहीं चाहिए कभी। जितना हो सके खुद को लाइट वेट रखिए ट्रैक में, यही रिकमेंडेशन है मेरा। संदकफू फलूत वाला ट्रैक में मैक्सिमम आपको रोडोडेंड्रॉन, पाइन, ओक, उसके बाद ऑर्किड्स ये सब दिखाई देगा, लेकिन ये टुमलिंग से गरीवास तक जो ट्रैक है यहाँ पर मैक्सिमम आपको रोडोडेंड्रॉन और हिमालयन बाम्बुई दिखाई देगा। रोडोडेंड्रॉन प्लांट है ये, बहुत रेयर है। मैं मेरा छोटा भाई देवजीत को क्रेडिट दूंगा, जाते जाते मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग यहाँ पर किया हुआ है, वो 30-40% वीडियो रिकॉर्डिंग वही किया हुआ है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और यहाँ पर जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये है फ्रॉस्ट, स्नो फ्रॉस्ट, जो पिछले दिन रात में हुआ था, अभी तेज धूप के कारण जो थोड़ा गल गया है। দেখা যাবে রকিদা এখানে স্লিপ স্লিপ হয়ে আছে। ये टुमलिंग जो है मेनली एक वैली की तरह ही है, ये बहुत ही एक छोटा सा हेमलेट गांव है, नेपाल का जुरिसडिक्शन पे ही आता है ये टुमलिंग, लेकिन ट्रेकर्स डिस्टिंक्शन होने के माफिक ये वेस्ट बंगाल टूरिज्म के अंडर ही पड़ता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पे। और यहाँ का एलिवेशन लगभग टोंगलू की तरह ही है, सेम टू सेम ही एलिवेशन है ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे जो मैक्सिमम फैमिली रहते हैं वो गुरुंग फैमिली, और यहाँ का पॉपुलेशन एकदम ही कम है, 40-50 आदमी बड़ा जोर से रहते हैं ये टुमलिंग पे। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सांस थोड़ा फूल रहा था, एक्लिमेटाइज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था हम लोग का, फर्स्ट डे में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो फर्स्ट डे थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन सेकेंड थर्ड डे से पेस हम लोग जो पकड़े उसके बाद स्टॉप होने का नाम ही नहीं लिए हम लोग। करीब से 2-3 किलोमीटर पहले थोड़ा स्टीप ट्रेकिंग का रूट है, पहले दिन ये स्टीप ट्रेकिंग में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, नेक्स्ट डे से बॉडी कोप कर लेगा आपका। और संदकफू फालू ट्रैक आपका बहुत टफ ट्रैक नहीं है, मॉडरेट ट्रैक में है, इजी एकदम ट्रैक नहीं है, मॉडरेट ट्रैक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल आपको होम स्टे हट कैंपिंग के लिए सभी मिलेगा फैसिलिटी, तो रास्ता थोड़ा स्टीप है, दिक्कत हो सकता है कुछ कुछ लोगों को, लेकिन एकदम बहुत टफ है जा नहीं सकते ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह इतना ही स्टीप था जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर पाया, तो वो सब जगह थोड़ा संभाल के जाइएगा, पैसेज वे बहुत ही पतला है, एक आदमी जाने का रास्ता भी ठीक से नहीं है, तो वो सब जगह थोड़ा देख के जाइएगा, तो इससे ब्यूटीफुल ट्रैक इंडिया में बहुत कम ही है। हम लोग आए थे आपका नवंबर के टाइम पे, जिस टाइम बर्फ़ उतना नहीं गिरता, बर्फ़ गिरता है आपका मैक्सिमम दिसंबर से जनवरी फरवरी का टाइम में बर्फ़ ज़्यादा गिरता है ये ट्रैक में। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग, दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर आप लोग आए तो इतना क्लियर व्यू आप लोग को नहीं मिलेगा उस टाइम, उस टाइम बर्फ़ स्नोफॉल उसके बाद क्लाउड ये सब ज़्यादा रहेगा, तो कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट का व्यू भूल ही जाइए उस टाइम लगभग, तो उस टाइम लग बाई चांस आपको अगर अच्छा रहा लक तो एक आध दिन आपको व्यू मिल सकता है कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट का। इन दादा लोग के साथ मुलाकात हुआ यहाँ पर, ये दादा का भी यूट्यूब चैनल है एक, दादा आपका यूट्यूब चैनल का नाम बोल दीजिए। टूर लवर सुशांत, टूर लवर सुशांत, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है। दादा लोग भी कलकत्ता से आए हैं, और ये लोग तो दादा लोग तो हम लोग का साथी है गगन जी, और दादा आपका नाम एनजी आपने नॉर्मल अकेले, अच्छा उन लोग का गाइड है आप, गाइड है। अच्छा 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 बढ़िया है। और यहाँ का व्यू हम लोग थोड़ा पिट स्टॉप लिए यहाँ पर एवरेस्ट, हाँ एटा एटा खाबो ना, এটা আমি কালকে পরশুদিন পেট ছেড়ে যাবো জানো, বমি করেছি। থার্ড ওয়ালা ইয়া পর স্লিপিং বুদ্ধাই তো হেবো না, ও ইয়ে।
वाला एवरेस्ट अच्छा अच्छा सामने वाला जो दिख रहा है थर्ड वाला जो सबसे हाईस्ट पीक है जो उसमें मकालू उसके पीछे वाला जिसके ऊपर थोड़ा बादल है हाँ वो है एवरेस्ट। अच्छा पीछे वाला जो है थोड़ा बादल है वो है एवरेस्ट ठीक है। यहाँ पर देखिए उंगली दिखाऊंगा और मकालू जो सबसे टॉलेस्ट वाला है वो मकालू ठीक है इधर से दिख रहा है वो वाला टॉलेस्ट नहीं है। अच्छा यहाँ से टॉल दिख रहा है लेकिन पीछे वाला जो है वो सबसे टॉलेस्ट है वो माउंट एवरेस्ट है ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ का व्यू ये है तीन पीक एक साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर और आपको तो स्लीपिंग बुद्धा वाला व्यू दिखा दिए। थ्री हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है और भी ऊपर जाएंगे तो और भी क्लियर होगा ना। राइट साइड मकालू मकालू और चुमलिंग चुमलिंग राइट साइड चुमलिंग बीच वाला मकालू और थर्ड वाला जो है वो है माउंट एवरेस्ट। केटू है केटू सबसे टफेस्ट ना ভারতের সব থেকে ইয়ে আচ্ছা কারাকোরাম 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 পর্বতের তোমাদের গ্রুপ ফুপ থেকে ট্রেকিং হয় তার মানে তাহলে এই অ্যাড ফ্যাড করে নিও আমাদের কিছু থাকলে গ্রুপ ফুপ। তুমি এটা এবারে নতুন নিয়েছো নাকি কোনটা গো এটা নতুন নিলাম হ্যাঁ সোয়েটশার্ট হুডি সব খুলে দিতে হবে ওয়েদার এতটা সুন্দর এখন গরম লাগছে রীতিমতো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে কিন্তু সোয়েটশার্ট হুডি সব খোল দেনা পড়া ঠান্ডা হাওয়া দেয় लेकिन गर्मी है थोड़ा तेज धूप है अभी बहुत सुंदर वेदर है अभी व्यू देखिए सामने ये वैली पे एक्सट्रीम लेवल का थोड़ा हवा चल रहा था उस टाइम तो इसलिए थोड़ा माइक में और आवाज़ में थोड़ा इंटरप्शन हो रहा था और ये सब व्लॉग में मैक्सिमम लेवल पर रॉ रखने का ही कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ एक इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बोल रहा हूँ ORS ज़रूर लाइएगा ठीक है। ORS छोड़ के एकदम नहीं आएगा भक्ति करके जितना हो सके ORS लीजिएगा वही मेन चीज़ है एनर्जी के लिए आपको चेकअप करिए। फॉलो करना पड़ रहा था और एकदम पूरा 180, 200, 240 डिग्री ऐसा खड़ाई था मतलब जहां पर देख देख के स्टेप हम लोग को चलना पड़ रहा था क्या दीप जी। ये तो नॉर्मल अच्छा वैली है इसीलिए ऐसा वीडियो उठा सकते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह पर इतना डेंजरस था तो जो सांदाकू को बहुत ईजी समझ रहे ईजी है मॉडरेट है लेकिन कुछ कुछ जगह पर बहुत डेंजरस है थोड़ा संभल के सेफ्टी के साथ आइएगा ठीक से। ये तीन बैग एक साथ लाए जो लाना कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा हम लोग ला रहे जा रहे हैं। बेसिकली वी वर सेइंग दैट इतना सारा बैग और पैकेट कैरी करके हम लोग का गलती हो गया ये मिस्टेक को लगे थोड़ा खिल्लीबाजी हो रहा था हम लोग के बीच में खासकर रॉकी को लेके। कट 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 तुमलिंग से कालापोखरी तक जो ट्रेक है वो ट्रेक का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है। एंजॉय कीजिए इस पार्ट को और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कुछ भी सुविधा हो रहा है तो। और भी अनकट वर्शन वीडियो स्नीक पीक्स पिक्चर्स देखने के लिए मेरा ये सोशल मीडिया हैंडल्स है यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सुशांत भाई जो बोलने का कोशिश कर रहे हैं मेनली वो है डाइट यहाँ का पहाड़ का मेनली डाइट क्या होना चाहिए ट्रेकिंग के टाइम।
बाहर का डाइट स्पेशल वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑयली फूड अवॉइड कीजिए। यहाँ का लोकल फूड जो सब्जी वेजिटेबल है वही ज्यादा खाइए। जितना चाहे आप गुड कैलोरी लीजिए, बैड कैलोरी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ट्रेक में आपको गुड कैलोरी बहुत ही जरूरत लगेगा। मोमो खेऊ ना, पॉर्क ऑयल दे रहा, हाँ पॉर्क में से नाम है चलो पॉर्क ऑयल देवे ही रहा। हाँ वो पॉर्क ऑयल खेई तो पेट छेड़ दीजिए। গাইড নিতেই হবে না, গাইড না ছাড়া আসা যাবে না, না আসা যাবে না। হ্যাঁ यहां पर हम लोग का इंटरेक्शन यही हो रहा है कि गाइड छोड़ के क्या हम लोग ये ट्रेक में आ सकते हैं। इसका स्ट्रेट एंड सिंपल आंसर है नहीं। आपको गाइड लेना ही पड़ेगा। यह सिंगालीला नेशनल रेंज का नंबर वन रूल्स है। इंडिया का दूसरा बहुत सारा ट्रेक होता है, नेपाल का बहुत सारा ट्रेक होता है जो आप सोलो जा सकते हैं कोई गाइड छोड़ के, लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में पड़ता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, तो इसमें आपको गाइड लेना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। মানে তুমি ভিডিও করতে করতে এগোচ্ছো? হ্যাঁ আমি এসেছি দেখছে, ওই ছুটে ছুটে জায়গায় চলে যাব না, ওরা তো আমি এর জন্য তোমাদের সঙ্গে হয়ে গেলাম তো। হ্যাঁ আমি ও পাশে টানা মেন কারণ ছিল এটাই। ওরা তো তার গাইড তো তারা দিচ্ছে, এবি তো তারা দেবে, তোমাকে আমি বললাম। হ্যাঁ এবার ও দাঁড়াচ্ছেও না, এগিয়ে গেলে এবার তো রাস্তা ফাস্তা দাঁড়াবে না, দাঁড়াতেই হবে, না দাঁড়িয়ে যাবে কোথায়? সেটা তো ঠিক, সেটা তো ঠিক না, পয়সা তো আমাদের সব দেওয়া পুরো। तो मोटामोटी आठ, और हम लोग का कितना किलोमीटर है दादा? दो किलोमीटर और है काला पोखरी, नहीं गौरी बस, दो किलोमीटर वहाँ पर थोड़ा, अच्छा अच्छा गौरी बस दो किलोमीटर और वहाँ से 3.5 किलोमीटर काला पोखरी। शाम 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे ना। तो अभी ट्रेकिंग रूट इजी है बहुत, बांस बागान। ट्रेकिंग रूट में पूरा बांस बागान है, हम लोग का बांग्ला बांस। पीछे हम लोग का भाई लोग आ रहा है। रॉकी तोरा पीछे चला गया, छोटा भाई तोरा नीचे चला गया। हाँ वो एक टू प्रॉब्लम हो स्लो हो चापे ওর গাড়ি চড়তে সুবিধা হয়, আমাদের আবার গাড়ি চড়তে অসুবিধা। আমার আমার গাড়ি চললে বিশাল কষ্ট হয় আমার। আমি এ থেকে উঠেছি, হ্যাঁ এনজিপি থেকে, হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাবোমিন খেয়ে উঠেছি। অ্যাবোমিন খেয়েছো না? এই সোটা আমার খাওয়া কিচ্ছু, আমার কিচ্ছু মানে কই ভি বন্দোবস্ত নেই কি হাম লোক ঠিক তরহ সে ইয়ে ওয়ালা ট্রিক কে লিয়ে। কোকাঠাট্টি আছে আমার কাছে, কোকাঠাট্টি ও আচ্ছা, কোকাঠাট্টি কাজ কাজ করে ওষুধ মোটামুটি আছে, শুধু অ্যাবোমিনটা নেই আর ওআরএসটা নেই, ব্যাস। কোনো ওষুধ লাগলে বলো আমাদের, আর গ্যাসের ওষুধটা খুব দরকার ছিল। নাও নি, হ্যাঁ নিয়েছি ওটা। এই মোড়টা দেখেছিস দেবজিৎ? এটা তো ভুলে গেছিস, মোড়টা দেখ, মোড়টা দেখেছিস রকি? এই মোড়টা দেখে যা, এই মোড়টা দেখ, রকির কোনো দিকে হোস নেই। এই মোড়টা দেখে যা, এই মোড়টা দেখেছিস? এটা পুরো ভিডিও উঠছে এখন। এই দাদা এটা দেখালো, আমি ভুলে জানতাম না। आज का वीडियो यहाँ गरीबास कैंपिंग साइट तक ही खत्म करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गरीबास से जाएंगे काला पोखरी तक, काया कट्टा होके वहां पर लंच करके उसके बाद सांदकफू। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, तभी देख पाइएगा आप लोग वीडियो नेक्स्ट वाला एडवेंचर। तब तक के लिए मैं शुभजीत दास सत श्री अकाल बोल रहा हूँ आपको, धन्यवाद।